है जी, आलू अंडा थोड़ा सा और साज में वाओ चीज़ ऑमलेट, वाओ वे फुल चीज़ी लें जी। ये हमारा आज का, ये बोटी मैंने पहले बना के रख ली है ठीक है, ताकि वीडियो के अंदर। ओके सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आपका बॉय एकदम मज़े में। सुबह का टाइम है एंड एज यूजुअल कल वाली ड्रेसिंग है ठीक है, तो अभी करने लगे हैं नाश्ता। तो नाश्ते के बाद फिर आज के थोड़े प्लान डिस्कस होते हैं। लेट्स गो फॉर ए नाश्ता। रात से मौसम फिर बड़ा क्लासिक हुआ पड़ा है ठीक है, रात काफ़ी हैवी बारिश हुई है और सुबह भी जो है ना बड़े हैवी किस्म के जो है ना वो बादल हैं। फोरकास्ट तो ये बता रहा है कि आगे 4-5 दिन जो है ना वो मौसम सेम ही रहने वाला है। लेट्स इंजॉय द वेदर और नाश्ता किया जाए। वैसे मेरे ख्याल में ये मौसम जो है ना वो आई डोंट नो, मुझे मतलब ज़्यादा इलम तो नहीं है इस चीज़ का, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये मौसम बेहतर भी होता है फसलों के लिए और कुछ कहते हैं कि गंदम वगैरह के लिए बड़ा नुकसान है इस मौसम में। उनके लिए लेट्स होप के बेहतर हो ठीक है। तो हम चलें अपने नाश्ते की तरफ। वेलकम टू नाश्ता टेबल। नाश्ता आ चुका है हमारा ठीक है जी। नाश्ते में है जी आलू अंडा थोड़ा सा और साज में वाओ चीज़ ऑमलेट, क्या बात है बेहतरीन। और साथ में है जी एज यूजुअल रोटी ठीक है। लेट्स हैव इट ट्राई। आई एम क्यूरियस अबाउट चीज़ ऑमलेट, वाओ वे फुल चीज़ी, क्या बात है बेहतरीन ये चीज़। लेट्स हैव अ ट्राई। यार बहुत कमाल है, चीज़ ऑमलेट बहुत क्लासी बना हुआ है, फुल चीज़ी। अभी ऐसे चीज़ ऑमलेट चीज़ ही होगा तो वैसे टेस्ट में बहुत आउट क्लास है। नाश्ता करता हूँ फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान मिलाता हूँ। नाश्ता डन है, उसके बाद अब थोड़ा सा बिजी था ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बिजी था। दोपहर का टाइम हो गया ऑलमोस्ट ठीक है, और सीन कुछ ऐसा है कि अभी है जी एक छोटी सी दावत रिलेटिव्स की ठीक है, तो उसी के लिए ही तैयार होना है। लेट्स गो, थोड़ी सी ट्रिमिंग्स वगैरह कर लेते हैं ठीक है, इसके बाद चेंज चेंज करने के लिए कपड़े तो कल वाले ही हैं ठीक है, तो चेंज चेंज करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए ठीक है, मिलते हैं चेंज करके। वेलकम बैक, भाई की तैयारी हो चुकी है ठीक है, और भाई ने आज पहना है जी वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी वाला सूट ठीक है, प्लस ब्लैक शूज, मीन्स के ब्लैक एंड वाइट कलर कम्बिनेशन। जो कि आपको नज़र आएगा सेकेंड मिरर में। लेट्स गो। ये है जी बॉय की आज की लुक, जैसा कि आपको बताया है कि ऑफ वाइट कलर का बेहतरीन किस्म की एम्ब्रॉयडरी में सूट ठीक है, और साथ में ब्लैक कलर में शूज। दिस इज बॉयज लुक फॉर टुडे। ओके आपको मैंने पता नहीं बताया नहीं बताया, आज हमारा जो है ना वो फैमिली गैदरिंग आज हमारे घर पे है
ठीक है, एक छोटी सी गैदरिंग है। सो बताया, आई थिंक मेरे ख्याल में मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैंने बताया या नहीं बताया। सुभान अल्लाह। तो चलो, बहरहाल ये है जी आज की हमारी लुक। ठीक है, सो लेट्स गो, नीचे देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, अगर मैं व्लॉग बना सका तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं जस्ट खाने का व्लॉग बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सो लेट्स गो। सीन फिर कुछ ऐसा हुआ है कि उससे मैं बना नहीं सका जब गेस्ट आए हैं तो। सो अब जो है ना, मैं बना रहा हूँ व्लॉग। ठीक है, तो अब मैं आपको खाना वगैरह भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो सो लेट्स गो टू मील टेबल। लें जी, ये हमारा आज का मेन्यू था। ठीक है, चिकन पुलाव। ठीक है, दिस इज, साथ में रोटियां थी मैंने एक रोटी प्लेट में डलवा ली है। साथ में चाची हमारा मटन कोरमा। ठीक है, और उसके अलावा था ये रेशन सैलेड। ठीक है, और साथ में था जी हमारा ये रोस्टेड चिकन। ठीक है जी, ये हमारा मेन्यू था। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आइसक्रीम थी इसके अलावा। ठीक है, और वो आपको पता है कि वो भी बचती नहीं है। ठीक है, वो बची कोई नहीं है। ठीक है, वो उस टाइम ही दस्ती जो है ना वो खाई गई है। सो अब जो आइटम जो है ना वो पीछे रहे हैं, ठीक है, उनका मैं फिर मैंने व्लॉग बना दिया है। सो सबसे पहले इनका एक स्लोमो शॉट देखें, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। ये चीज़, वाओ, राइस, उसके बाद आ गया जी रशियन सैलेड। रशियन सैलेड देखने में बहुत कमाल लग रहा है, मतलब मैं टेस्ट कर भी चुका हूँ। ठीक है, वाकई में कमाल है। ठीक है, वैसे तो सारा खाना ही कमाल है, बट रशियन सैलेड बहुत आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और इसके अलावा ये पीस बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये दो आइटम जो है ना ये नेक्स्ट लेवल बने हैं। ठीक है, इसके अलावा वैसे घर वालों को डाउट था कि शायद ये जो बनाना मटन, इसमें जो है ना वो स्पाइसेस अप डाउन हो गए हैं, बट बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसेस हैं इसके अंदर, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब जैसे एक नॉर्मल होता है उस तरह का है। सो फॉर्मेलिटी के लिए लेट्स हैव अ ट्राई। सबसे पहले एज यूजुअल फर्स्ट आइटम। ठीक है, इसे ट्राई मारते हैं। ये बोटी मैंने पहले बना के रख ली है, ठीक है, ताकि वीडियो के अंदर जाना वो खपना पड़े, वरना बोटियाँ तोड़ना जो है ना ये बड़ा औखा हो जाता है। ये लें जी, ये मैंने पहले ही बाइट बना के रख लिया है। क्या बात है, ये चीज़। चावल एज यूजुअल बेहतरीन, जबरदस्त बने हुए हैं। लेट्स ट्राई सेकंड आइटम। सेकंड आइटम में वैसे तो ये आता है स्किन सैलेड, बट ये थोड़ा स्वीट है, इसलिए हम पहले ट्राई मारने वाले हैं जी के मटन कोरमा। ओके, लेट्स हैव ए नवाला ऑफ मटन कोरमा। ओके 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 ओके, मुझे अब इसके अंदर बेहतरीन वाली बोटी लबनी पड़ेगी, लबो बेहतरीन वाली बोटी। ये मिल गई, क्या बात है, फुल टेंडर। ओए हो, बेहतरीन। ये आ गई जिसकी ग्रेवी, ये चीज़, और ये गया जी मुंह में। नेक्स्ट एवर मटन कोरमा विद परफेक्ट स्पाइसेस, क्या बात है, बेहतरीन। नाउ लेट्स चेक द थर्ड आइटम।
जो कि है हमारा रोस्टेड चिकन। ठीक है, रोस्टेड चिकन में एज यूजुअल सामने हमारे पड़ी है जी लेग पीस, जो कि बेचारा बड़ा मरियल सा हुआ पड़ा है, बहुत ही मरियल सा हुआ पड़ा है यार ये तो बेचारा। चलो इसे ट्राई मारते हैं। ठीक है, ये चीज़ लेट्स हैव अ ट्राई। यार ये बहुत आउटलास्ट चीज़ बनी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ये है ना, ये चीज़ चिकन फ्राइड चिकन और ये वाला आइटम रशियन सैलेड, ये दोनों आइटम नेक्स्ट लेवल बने हैं। नाउ लेट्स ट्राई दिस। ये चीज ओए क्या बात है। ये चीज हमारे नवाल है। आखिरी दोनों आइटमों ने ना गेम चुकी है, फुल हैवी गेम चुकी है आखिरी दोनों आइटमों ने, क्या बात है। नेक्स्ट लेवल। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, वीडियो को व्लॉग को रिक्रिएट करते हुए भी उतना ही मज़ा आता है। वाकई में मज़ा मुझे उतना ही आया है वीडियो को रिक्रिएट करने में। हालांकि पहले मैं जब भी खाता हूँ ना, तो वो मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग में ही खा रहा होता हूँ। आज चूंकि पहले दोपहर को खाना खा चुके थे, इसलिए मैंने अब शाम को जो है ना मैंने शूट किया है, तो हर चीज़ ऑलरेडी जो है ना वो मेरी टेस्टेड थी, तो इसलिए जो है ना इसमें भी अलग ही मज़ा है। चीज़ें पहले टेस्ट कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना वो व्लॉग बनाओ। बाय द वे बॉय की ड्रेसिंग जो है ना वो आज मज़ेदार है, ब्लैक एंड वाइट, वाओ। और आज मैंने थोड़ी सी अपनी जो है ना ये लुक चेंज की है, फ्रेंच चेक कर रहे हो, फ्रेंच थोड़ी सी हैवी हुई पड़ी है भाई की। ये चीज़ मेरे पे, वैसे बताएं ज़रा, फ्रेंच ज़्यादा सूट नहीं करती मेरे पे, फ्रेंच सूट करती है भाई पे ये चीज़। सो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।